1995 में आई राकेश रोशन की सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन क्लासिक में शुमार हो चुकी है। फिल्म में सलमान शाहरुख की एक्टिंग भी काफी अप्रिशिएट की गई थी। पर क्या आप जानते हैं ये फिल्म ओरिजिनली लिखी गई थी सनी देओल और बॉबी देओल के लिए, पर सनी देओल ने बाद में इस फिल्म को ठुकरा दिया। आइए जानते हैं कि आखिर इतनी अच्छी स्क्रिप्ट सनी देओल ने क्यों ठुकरा दी। आज सनी देओल ने वैसे तो कई बार अपने भाई बॉबी के साथ काम किए हैं, पर जब सनी देओल को पता चला कि करण के रोल के लिए राकेश रोशन ने बॉबी को साइन कर लिया तो सनी देओल ने फिल्म करने से मना कर दिया। राकेश रोशन ने जब सनी से मिलकर इसका कारण जानना चाहा तो सनी पाजी ने बताया कि उनके भाई बॉबी इसी साल फिल्म बरसात से डेब्यूट कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि फिल्म रिलीज से पहले कोई रिस्क ले जिससे मीडिया और कुछ खबर ना बना ले। राकेश रोशन भी मान गए। तो इस तरह सनी देओल ने करण अर्जुन छोड़ा और ये रोल शाहरुख की झोली में जा गिरी। कुछ दिनों बाद बॉबी देओल ने भी डेट्स के कारण ये मूवी छोड़ दी और फाइनली ये रोल सलमान खान ने कर ली। फिल्म रिलीज हुई और आज तक इस फिल्म का जिक्र किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सनी देओल के ये भाई के लिए की बलिदान की कहानी? आपको क्या लगता है, क्या देओल भाई इस रोल को बेहतर कर पाते? कमेंट कर हमें बताएं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गपशप। तो